नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज के प्रमुख समाचार। उत्तर कोरिया ने दी अंधाधुंध परमाणु हमले की धमकी। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि यदि वे दोनों देश आज से शुरू होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों को आगे बढ़ाते हैं तो वह उन पर अंधाधुंध परमाणु हमले बोल देगा। न्याय के लिए एहतियातन परमाणु हमले की यह धमकी उत्तर कोरिया के शक्तिशाली नेशनल डिफेंस कमीशन ने एक बयान में कोरियन पीपल्स आर्मी के उच्चतम कमांड के हवाले से दी है। सिडनी में 3 लोगों को गोली मारी। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बाहरी इलाके में स्थित एक कारखाने में अज्ञात हमलावरों ने 3 लोगों को गोली मार दी और संभवतः कुछ अन्य लोगों को बंधक भी बनाया है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस की प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि अभी घटना की वजह का पता नहीं चला है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी की। 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खेल के फटाफट फॉर्मेट में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने के अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने इस साल 11 में से 10 मैच जीत लिए हैं। धोनी पिछले लगातार 7 मैच जीत चुके हैं और उन्होंने 2020 में सर्वाधिक लगातार 7 मैच जीतने के अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। धोनी ने एशिया कप के फाइनल में मेजबान बांग्लादेश को 8 विकेट से पराजित कर अपनी लगातार 7वीं जीत हासिल की। पाकिस्तान ने 87 भारतीय मछुआरे छोड़े। पाकिस्तान ने जल सीमा के उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मछुआरों में 87 मछुआरों को सद्भावना के तहत सोमवार को रिहा कर दिया। पाकिस्तान के एक अंग्रेजी समाचार पत्र ने कराची के लांधी जेल अधीक्षक शाकिर शाह के हवाले से बताया कि पाकिस्तान की जेल में लगभग 536 भारतीय मछुआरे हैं और उनमें से 87 को आज रिहा किया गया, जबकि 20 मार्च को 86 अन्य भारतीय मछुआरों को भी रिहा किया जाएगा। रिहा किए गए भारतीय मछुआरे 2.5 साल से लांधी जेल में बंद थे। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।